राधे, आज मैं आपको टेस्टी वाली अरबी की सब्जी बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए हमें चाहिए ये आपके जी अरबी है। मैंने लंबी लंबी पतली पतली स्लाइस काट ली है, और चार हरी मिर्च हैं, एक नींबू का रस है, सौंफ के लिए अजवाइन, धनिया सूखा पिसा हुआ, नमक स्वाद अनुसार, हींग और हल्दी, और ये कढ़ाई मैंने सरसों का तेल डाल के ये कढ़ाई मैंने गैस पे चढ़ा दी है, और इसमें 2 डोंगा चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। सूखी सब्जी में तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही चाहिए, वैसे मैं तेल कम ही यूज करती हूँ सब्जी में, लेकिन सूखी में थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, तो एक आध बार तो चलता है ज़्यादा तेल खाना भी। ये तेल अच्छे से गर्म हो गया, अब मैं इसमें अजवाइन डाल दूँगी, अजवाइन थोड़ी सी ज़्यादा ही डालूँगी, अजवाइन का ही टेस्ट आता है इस सब्ज़ी में। और ये हींग, अब ये अरबी डाल दूँगी, अरबी और हरी मिर्च मैंने डाला, कोई कटहल पका था नहीं, कटहल डाल दिया, गैस को मीडियम रखें, बहुत ही टेस्टी लगती है सब्जी खाने में, पराठे के साथ, रोटी के साथ, पूड़ी के साथ भी, चावल के साथ भी। अब ये हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च भी डाल सकते हैं आप, और ये सूखा धनिया ये भी मैं डाल दूँगी, आप इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। ये सब्जी को ऐसे मैंने 5 मिनट तक मसाला मिला दिया, अब इसको मैं ढक के और मंडी गैस पे रखूँगी। ये मेरी सब्जी को 10-15 मिनट हो गए हैं पकते पकते, अब मैं देखती हूँ ये पूरी तरह पक चुकी है, मीडियम गैस पे थी। ये सब्जी मेरी खाने के लिए रेडी हो चुकी है, मैं इसमें नींबू डाल दूँगी, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, एक बार आप ट्राई ज़रूर करें, बिल्कुल सिंपल सब्जी है। मैं निकाल के दिखा देती हूँ, आप भी बनाएं, खाएं, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, मिलते हैं अगली आप भी सिंपल अरबी की सब्जी आप भी बना खाएं, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। राधे राधे।